हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश। क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे जो बेस्ट टॉपिक है, जो बच्चों को बड़ा टफ लगता है मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसका एक लेक्चर हो चुका है और आज बारी है उसकी वर्ड प्रॉब्लम की। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन लॉन्ग में 6 मार्क्स में आना कन्फर्म है, और अगर मैं बात करूँ सीबीएसई के, तो इस बार केस स्टडी में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की। बहुत स्पेशल मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। और हम और आप मिल कहां पे रहे हैं, खूबसूरत से प्लेटफॉर्म है हमको और आपको जोड़ रहा है, दैट इज आरटी एकेडमी। कौन सा है आरटी? यहां पे बेस्ट फैकल्टी आपके पास है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी आपके पास है, तो सारे बेस्ट फैकल्टी जो है, फ्री एजुकेशन, इवन क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आप हमारे साथ कब जुड़े रहेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को केवल एक सेंटेंस लिखा रहता है, एक वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको हम लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करना है उसका, और लास्ट में मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होगा या कुछ भी जो भी कहेगा व्हाट एवर प्रूफ करने के लिए, वो सब चीजें हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. हमें two numbers search करने हैं जिनका sum कितना है 24 है, पहली चीज, और product को maxima दिखाना है, large मतलब तो भाई maxima ही है, तो हमें maxima prove करना है। तो पहले तो हम लोग let कर लेते हैं solution, तो जितनी भी need है आप उतने variable पहले ले लें। जैसे मैंने लिए x एंड y टू वेरिएबल है और सम कितना कितना है 24, यानी कि x प्लस y की जो वैल्यू है हमारी वो आ चुकी है हमारे पास 24। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रोडक्ट को हमको दिखाना है कि मैक्सिमम होगा, तो प्रोडक्ट मतलब कुछ भी ले लीजिए, जेड मैंने ले लिया x इनटू y। अब देखिए x और y टू वेरिएबल है, बट हमने अपने को इतना तो पता है कि हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है इसको, आप टू वेरिएबल में तो नहीं कर सकते इसको, जब तक आप सिंगल वेरिएबल में नहीं चेंज करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां से, x * 24 - x मल्टीप्लाई करते हैं 24x - x स्क्वायर dz by dx 24 minus 2x। अच्छा तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर तो उसमें मैं बता ही चुका हूं कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद उसको इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि उससे x की वैल्यू निकल कर के आती है, उन x की वैल्यू को ही हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये dz by dx हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 के इक्वल। अब आप चाहें तो यहीं से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू कितनी निकल कर के आएगी, x plus y 24 है इसमें, तो जो y की वैल्यू आएगी हमारी आएगी 24 minus x यानी कि 12, तो y की वैल्यू आ चुकी है 12, x और y की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई है। अब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा d2zy dx square, d2z by dx square, तो d2z by dx square की वैल्यू कितनी है 24 का 0 हो जाएगा, और माइनस 2x का आ जाएगा, माइनस 2 नेगेटिव है यानी कि मैक्सिमा तो है ही, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा, यानी कि हम लोगों ने टू नंबर्स फाइंड कर लिए हैं जिनका सम कितना है 24 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम क्यों है, क्यों, क्योंकि जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है इस बात का कंफर्मेशन कर रहा है वो डबल डेरिवेटिव कि मैक्सिमा होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और यहां से हमारा आंसर आ चुका है, नंबर्स आ चुके हैं वो। अगर मैं बात करूं नंबर की, तो ये नंबर है एक y = 12 और एक x = 12, ये x और y की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, एक लेक्चर और अपलोड करेंगे इसमें भी मैं वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा आपसे, इसमें तो है ही खूब सारी। जैसे एक क्वेश्चन ये, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स
60 गिवन है, हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्रूफ करनी है या फाइंड करनी है, तो z ले लेते हैं x y क्यूब। देखो कभी कभी थोड़ी सी लॉजिकल चीजें भी सोचनी होती है। अब जैसे कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू निकाल करके पुट कर दे, और जब y की वैल्यू पुट करेंगे x के टर्म में तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपको इजी करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो y के टर्म में, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 60 माइनस y, उसको हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, 60 माइनस y इंटू y क्यूब, y क्यूब को मल्टीप्लिकेशन कर दें, 60 y क्यूब माइनस y टू द पावर 4 dz अपॉन dy 180 y स्क्वायर माइनस का 4 y क्यूब इक्वल टू 0 कर दिया। y स्क्वायर आ रहा है कॉमन, 180 माइनस 4 y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी यहां से और y की वैल्यू आ जाएगी 45। y की वैल्यू 0 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस y की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 45 60 माइनस 45, यानी कि x की वैल्यू हमारी x इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब देखिए x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यहां से वैल्यू तो निकल आई लेकिन हमारा भी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि मैक्सिमम है कि नहीं, तो हमें इसका अगेन डेरिवेटिव कर देना है, d2z अपॉन dy स्क्वायर, यानी कि d by dy ऑफ, इसका डेरिवेटिव कर दे, 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब तो ठीक है, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y माइनस 12y स्क्वायर, 360y माइनस 12y स्क्वायर, y की वैल्यू हम लोग पुट कर देते 45, इसके हमें सॉल्व करना आपका काम है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, तो इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है इससे कि मैक्सिमा है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इस बात से कंफर्म होगा कि ये मैक्सिमा है, मैक्सिमम इसका निकल रहा है वैल्यू, और x और y के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि x y क्या आएगा। तो चलिए इसमें और एक क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरिमीटर गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरिमीटर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट है। अब जैसे गिवन है एरिया, जो भी चीज गिवन होगी वो हो जाएगा हमारे लिए कांस्टेंट। ये साइड मैंने ले ली एक्स यहां और ये साइड मैंने ले ली वाई, एरिया क्या है गिवन, एरिया हो जाएगा हमारा x into y, तो ये कांस्टेंट हो चुका है हमारे लिए। और कहा कि स्क्वायर है द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को आपको प्रूफ करना है कि वो स्मॉलेस्ट होगा पहली चीज, दूसरी बात उसी को आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर तो तब हो पाएगा जब x इक्वल टू y हो। तो पहले बात तो पेरीमीटर लिख लें, पेरीमीटर क्या आएगा, p इक्वल 2 टाइम्स x प्लस y, p इक्वल 2 इनटू x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन x, dp by dx 2 तो ठीक है, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का ये वाली x स्क्वायर, ये हमारा dp by dx आ चुका है। हम लोग को क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल कर लेना है, तो वन इक्वल टू क्या आ जाएगा a बाय x स्क्वायर, तो a इक्वल टू यहां से आ चुका है हमारा x स्क्वायर, तो
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इंटू वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है। इससे कंफर्म हो गया कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब डबल डेरिवेटिव कर दिया जाए, डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू तो ठीक है, वन का जीरो माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू, टू माइनस ए माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, फोर ए अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स तो एक साइड है और ए है स्क्वायर एरिया, ये कभी भी कोई भी एरिया नेगेटिव नहीं होता पहली चीज, और एक्स एक साइड है, साइड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपने कभी सुना थोड़ी ना माइनस टू सेंटीमीटर प्लस का टू सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं, साइन तो नहीं लगता वहां, टू सेंटीमीटर यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि मिनिमम, या इसी को आप क्या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, इसी को क्या कहते हैं हम कि स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट आ भी गया। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए यहां से स्क्वायर भी, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है पहली चीज, तो आप इसको फिक्स कर लें, और उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करेंगे वैसे ही आंसर आपका निकल आएगा उसी वाले केस में, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी रेक्टेंगल के जैसा, तो पहले तो रेक्टेंगल ही फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। देखें प्रूफ दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर, पहले गिवन एरिया था आपका, गिवन पैरामीटर कर दिया गया है, तो सबसे पहली चीज तो आपको साइड तो लेनी ही लेनी है। ये एक्स हो जाएगी साइड हमारी और ये साइड हो गई हमारी वाई। गिवन क्या है पैरामीटर, तो पी हो गया हमारे लिए कांस्टेंट, पी हमारे लिए हो जाएगा कांस्टेंट, तो पी की वैल्यू हो जाएगी टू टाइम्स एक्स प्लस वाई। स्क्वायर है द लार्जेस्ट एरिया, हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर होगा और एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा लार्जेस्ट होगा। तो एरिया क्या आएगा, ए इक्वल टू एक्स इनटू वाई, यहां से लोग निकाल लें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल करके आएगी, p by 2 minus x, यहां y की जगह पुट करते हैं, x into y की वैल्यू हमारी आ जाएगी p by 2 minus x, एरिया क्या आ जाएगा px by 2 minus x square, da by dx कर दें इक्वल पी बाई टू एक्स का आ जाएगा वन माइनस का टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करना होता है तो जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी बाई टू इक्वल टू एक्स, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर एक्स। अब इस पी की वैल्यू हम लोग पुट कर देनी है, तो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई इक्वल 4x, 2x plus 2y equal to 4x, 2y equal to 2x, तो x equal to y आ गया है, तो x equal to y आने का मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर है। यहां से कंफर्म हो गया कि क्या है स्क्वायर, आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन आपको ये भी तो शो कर रहा है कि लार्जेस्ट एरिया एरिया मैक्सिमम होगा, तो जिसको अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे करेंगे अब d2a / dx स्क्वायर, तो d / dx ऑफ p / 2 माइनस का 2x। देखिए p को मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर इंडिविजुअल लिखा है तो जीरो,
माइनस टू एक्स का माइनस टू, यानी कि ओवरऑल माइनस टू आ रहा है। नेगेटिव है, नेगेटिव आने का मतलब आया कि ये क्या है, मैक्सिमम है। अगर नेगेटिव है तो इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि ये क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलिए हम एक तो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। एक शीट है तो पहले शीट बना लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से शीट बनी हुई है, ठीक है। Is to contain 18 centimeter square of printed matter. The margins at the top and bottom are 2 centimeter each, and at the side is 1 centimeter each. ठीक है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग इसके अंदर। बात करें आपको टोटल लेंथ की और विड्थ की, पहले टोटल लेंथ देखते हैं।
तो लेंथ हो जाएगी हमारी y प्लस फोर, वाई कितनी आई 6, यानी कि 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर। बात करना अगर विड्थ की, x प्लस 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की वैल्यू हमारी 3 है और 1 1 दोनों साइड मार्जिन है, तो 3 प्लस 2 यानी क्या आ चुका है 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा यहाँ पर कि जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, पहली चीज तो जिसको भी आपको प्रूफ करना है मैक्सिमम वैल्यू आप उसको लिखेंगे, फिर उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेना है और फिर उसी के लिए आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ही आपके पास, इसको नोट ट्राई करो। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, ठीक, द स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया। अरे जितने भी रेक्टेंगल किसी गिवन फिक्स्ड सर्कल में है तो हमको ये दिखाना है कि उसमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ये बन गया हमारा स्क्वायर। यहां पर रेक्टेंगल लोग कर लेते हैं, ये मैंने इसके अंदर एक रेक्टेंगल का फॉर्म कर दिया है। अब ये क्या था, गिवन फिक्स सर्कल है। अगर सर्कल फिक्स है इसका मतलब है उसकी रेडियस फिक्स, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी यहां पर। यहां पर अगर सेंटर है तो रेडियस, अगर मैं स्मॉल आर ले रहा हूं तो रेडियस होगी कांस्टेंट। ये लेंथ मैं रेक्टेंगल के लिए ले रहा हूं एक्स एंड वाई। तो यहां से एक बात तो आपको दिख रही है कि 2r होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गए हमारी क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर होगा पहली चीज तो, और फिर ये भी प्रूफ करना है कि वो एरिया मैक्सिमम देगा। तो एरिया की अगर बात करी जाए यहां पर, तो एरिया आएगा क्या, एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर रूट को लेकर के चलेंगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें डेरिवेटिव बहुत ज्यादा टफ हो जाने हैं, टाइम भी लगेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था अगर आप स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, लॉग ले लें, उससे मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे स्क्वायर कर लें आपको अच्छा लगेगा, बेनिफिट भी मिल जाएगा। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को नेम दे दिया गया जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 dz by dx 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। इसको हम लोग करना है 0 के इक्वल, यानी कि 8r स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4x क्यूब। तो यहां से हमें मिल जाएगा 8r स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, कैंसिल हो गया 2। यहां से हमें मिल गया x वैल्यू r रूट 2। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी था x r की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी आ गई यहां से। अगर हम लोग यहीं से x की वैल्यू को अगर आप यहां स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें तो 4r स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2r स्क्वायर के बराबर। सो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां से r रूट 2, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी r रूट 2।
और एक्स और वाई अगर इक्वल है, इसका मतलब यही तो है कि वो स्क्वायर हो चुका है। स्क्वायर तो यहाँ तक फिलहाल हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, लेकिन हम लोग अभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो उसके लिए तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना ही पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कर लेते हैं इसका dz का, d2z / dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर - 12x स्क्वायर। अब यहां पर आपको पुट करना पड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 2r स्क्वायर, 8r स्क्वायर - 24r स्क्वायर - 16r स्क्वायर नेगेटिव है, यानी कि इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अभी इससे बहुत सारा वैल्यूएशन करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आज के लेक्चर में, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम बिल्कुल हाई तक ले चलेंगे जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, बोर्ड में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैक्सिमम, इतना सिंपल कर देंगे इसको। बस आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो चीज गिवन है वो कांस्टेंट है, आप उसके डिस्क्रिट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। अब वेरिएबल की जरूरत तो पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, जो भी चीज प्रूव करनी जिसको मैक्सिमा या मिनिमा लाना है आप उसको लिखो और उसको सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट जरूर कर लें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया उसका कांस्टेंट है, गिवन है, प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इज लीस्ट व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलस। ट्रायंगल आइसोसेलस है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है चलिए हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। पहली चीज तो गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैंने इसमें ले ली साइड 2, ये एक साइड हो गया x और एक साइड ये आ चुकी है y। एरिया हमें गिवन है, तो जो चीज गिवन है बार बार कह रहा हूं वो हो गया हमारे लिए कांस्टेंट। एक पर होता क्या है x इंटू वाई, बात यहां पे करी जा रही है हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस को फिलहाल मैं l कह रहा हूं, आप कोई और भी नेम दे सकते हैं एक्स वाई जेड। तो हमारे पास ये आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। अब जैसे कि l को हमें दिखाना था कि हमने तो लिख लिया जेड, तो अगर l मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो जेड मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो हम लोग जेड के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि एल स्क्वायर के लिए स्क्वायर ही करनी पड़ेगी, तो दिक्कत करेगा स्क्वायर में रहेगा। तो डी जेड पहली बात तो इसमें कंप्लीट सिंगल वेरिएबल में हम लोग चेंज कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a by x होल स्क्वायर dz by dx। तो x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव यहां 2x हो चुका है प्लस 4a स्क्वायर d by dx ऑफ x की पावर माइनस 2 2x प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 2x की पावर माइनस 3 2x माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में x क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर लेते हैं हम लोग dz / dx को, तो देखिए यहां से क्या मिल जाएगा हमको 2x इक्वल 8a स्क्वायर अपॉन x क्यूब, तो 2 साइड तो कैंसिल हो जाएगा ये 4 x की पावर 4 इक्वल टू 4। अगर मैं a स्क्वायर करूं तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो चुका है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर x इक्वल टू y, यानी कि यहां से इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि ट्रायंगल हमारा आइसोसेल्स है। ट्रायंगल क्या है आइसोसेल्स हो चुका है, लेकिन अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ कि जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ये वो मिनिमम है, तो हम लोग क्या करें इसका डबल डेरिवेटिव कर लें d2z / dx क्यूब का, d2z / dx स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो 2x का तो आ जाएगा 2 माइनस 8a स्क्वायर
आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस थ्री, तो 2 प्लस 24 ए स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस 4। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था एरिया साइड ये सब तो मैक्स पॉजिटिव ही होंगे ना, नेगेटिव तो होते ही नहीं, तो ओवरऑल ये क्या आ गया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है किसी का भी डबल डेरिवेटिव तो इस बात का कंफर्मेशन है कि वो क्या होगा मिनिमा होगा, वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो रहा है। तो यहां से आपको आइसोसेलेस प्रूफ करना था, वो भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही होगा और उसमें और भी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग, जल्दी मिलेंगे हम लोग। हम लोग मिलेंगे कहाँ पर ये आपको बताइए, आरटी एकेडमी पे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी चैप्टर डिफरेंशिएशन हो या रिलेशन फंक्शन है या मैट्रिक्स है सब आपको देखना चाहिए उसको। और एक ही टारगेट है बोर्ड्स में हमें हाईएस्ट मार्क्स अचीव करने हैं। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।